ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि जहां एक ओर पूरे विश्व में कोरोना वायरस की बीमारी का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं ललितपुर में जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग द्वारा ललितपुर की जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ललितपुर की तहसील पाली पहुंचे और उन्होंने पाली वासियों का हालचाल जाना एवं नगर के सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों और कस्बे वासियों से बात की और कहा यदि उन्हें कोई समस्या है तो वह डायरेक्ट प्रशासन से मदद ले सकते हैं। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। सब व्यवस्था है, आप बेटा ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? गुड। घर में मास्क लगाने की जरूरत थोड़ी है, ठंडा रहना है और किसी तरह की कोई। क्या नाम है तुम्हारा? समझ जी जरूर कैसे नाम क्या है? मैं विवेक। सब ठीक है? अंदर घर में रहना है, ठीक है बेटा? गुड। तुम्हारा बेटिया क्या नाम है? रिया। सब ठीक है? गुड। लॉकडाउन के स्थिति में घर से घर में रहें और सभी आवश्यक सामानों की व्यवस्था डोर स्टेप हम लोगों ने कराई है। दूध है, सब्जियां हैं, वो सब लोगों को मिलेंगी और जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं उनको भी जो है डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कहा गया है, वो लोग भी कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था के लिए डीओ को और अपने अध्यक्षा को बताया गया है, वो लोग भी अच्छी सफाई व्यवस्था कोशिश कर रहे हैं और इसमें और सुधार आएगा। और दवाएं पर्याप्त हैं, सभी से अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में धैर्य और संयम बनाएं।